एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लव मैसेजेस एंड आपके पार्टनर के एनर्जीज। ओके, और वो क्या सोच रहे हैं। दो डेक लेकर आए हैं, दोनों में से आप एक चूज कर सकते हैं। आप चाहें आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो आप दोनों की भी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, ये है पाइल नंबर वन, ये है पाइल नंबर टू। ठीक है, आप वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, जो डेक आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है उसकी आप रीडिंग देखें। ठीक है, सबसे पहले हम पाइल नंबर वन, ठीक है, पाइल नंबर वन के लिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जर्नल रीडिंग के साथ साथ ये टाइमलेस रीडिंग भी है, सभी जोडियक साइन के लिए है। ओके, जब भी आप मेरी कोई भी रीडिंग देखते हैं तो पॉजिटिव होकर देखें। रीडिंग के साथ खुद को कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है और रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, और अपनी जो भी विशेज हैं आपकी, जो भी अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड विश है या आपके करियर से, हेल्थ से रिलेटेड है, वो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें आप लोग। ठीक है, और यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड देकर कमेंट सेक्शन में डालना है आपको अपने विश। ठीक है ना, ओके। देखो, आप में से कोई जो है मेरी रीडिंग देख रहे हैं या देख रही हैं, या तो आप हीलर हैं, ओके, या फिर आपके पार्टनर हीलर हैं, या फिर आप लोग हीलिंग में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। ठीक है, आप जानते हैं, आपको एहसास हो रहा है कि ये आपकी एक सोल जर्नी है जिसे आपको कंप्लीट करना है। और ख़ास तौर पर आज कोई तो ऐसा है जिसे ऐसे लगता है मेरी लाइफ में ये पर्सन कार्मिक है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है ये जानने में कि सामने वाला पर्सन हमारा ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है या कार्मिक है। ठीक है ना, ओके। मैंने कहा था ना कि आपको पता है कि आपकी जर्नी है, जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो वो आपके साथ ट्विन फ्लेम में है। यहाँ मैंने कहा कार्मिक हो सकता है, ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है। जो पर्सन आपके साथ, जिस पर्सन की आप एनर्जी चेक करवा रहे हो या चेक कर रहे हो अभी, जिसके साथ डील कर रहे हो, जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो, वो आपका ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट है। ठीक है, ये पर्सन आपका सोलमेट है। अब आप कितना नेगेटिव है, कितना पॉजिटिव, देखिए एंजल्स भी गिर गए हैं यहाँ पर। ठीक है, इनको साइड में रख देती हूँ, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये पर्सन की एनर्जीज आपके लिए इस तरह की है कि ये पर्सन इन दिनों में काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव दिखाई दे रहा है। रीज़न क्या हो सकता है वो तो नहीं पता है, लेकिन इस पर्सन की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन, जिसकी वजह से इसको चीज़ें सोचने समझने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आपसे भी दूरियां बनी हुई हैं, लेकिन ये तो कंफर्म है कि ये पर्सन आपके साथ खुद से कांटेक्ट करेगा। हो सकता है आप दोनों में एज गैप हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिखाई दे रहा है। ये पर्सन अंदर ही अंदर घुट रहा है किसी बात को लेकर। ठीक है, आपको ऐसा लगता है ये पर्सन किसी और के साथ खुश है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और लोगों के साथ भी इसका झगड़ा ही हो रहा है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी को तो मैनिफेस्ट करना नहीं है आपको। ओके, आपको सिर्फ अपने रिलेशनशिप के बारे में ही पॉजिटिव सोचना है। गॉडेस ऑफ द मून, यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलाया है, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड कीजिए। मैंने अभी बोला कमेंट सेक्शन में दीजिए, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे के लिए प्रे कर रहे होते हैं, एक दूसरे को पॉजिटिविटी दे रहे होते हैं। ठीक है, द गार्डन एंड द गेट, यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी कुछ हुआ है, लेकिन वो ये जानते हैं कि आपके साथ आएंगे वो या आएंगी, तो आप दोनों का रिलेशन बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। दुनिया के साथ वो कैसे हैं, वीडियोस बना रहे हैं या अपनी लाइफ को पॉजिटिव होकर सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया को तो लाइफ में लेकर आना ही नहीं चाहिए आपको। ओके, ये सारी चीज़ें बिल्कुल मत लेकर आइए, क्योंकि सोशल मीडिया अलग है और इंसान की पर्सनल लाइफ अलग है। आप लोग रिलेट कर लेते हैं अपने सोशल मीडिया को और अपनी लाइफ को, दोनों को अलग अलग भागों में रखना चाहिए। वो दिखावा है, एक्चुअल में आप क्या हैं। मान लीजिए अगर आप में से कोई या आपका पार्टनर सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस अपलोड करता है या करती हैं, वो उसी हुलिये में तो नहीं आ जाते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा तैयार होकर सामने आते हैं लोगों के। तो अंदर से इंसान कैसा है, उसका मन कैसा है, वो क्या वो खुश है या वो नहीं खुश है, वो दुनिया को थोड़ी ना दिखाएगा, वो उस पर्सन को दिखाएगा जो उसके घर में रह रहा है। तो वहाँ तक पहुँचिए आप, ताकि आपको ये पता चले कि वो पर्सन ठीक नहीं है। आप सोशल मीडिया पर उस पर्सन को देखकर किसी और पर्सन के साथ कैसे आइडिया लगा सकते हैं वो पर्सन खुश है। हो सकता है वो पर्सन खुश नहीं है बिल्कुल, वो उस रिलेशन से, उस पर्सन से दूर होना चाहता है या चाहती हैं। हीलर ऑफ द एजेस, यहाँ पर आपका रिलेशन हील हो रहा है यूनिवर्स की तरफ से।
आपका इन दिनों में इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है, बहुत ज़्यादा आप हर्ट हुए हैं किसी भी चीज़ से, लेकिन यूनिवर्स ने आपको हील किया और यूनिवर्स ही आप दोनों को मिलाएगा भी, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। ये जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट है, जैसा कि मैंने कहा बहुत डिफ़िकल्ट होती है ये जर्नी अगर आप अपने पार्टनर के साथ ट्विन फ्लेम या सोलमेट में हैं तो। ओके, यहाँ पर 222 आया है, ये जर्नी है जो आपको पूरी करनी हो, ये जर्नी आपके पार्टनर के साथ भी आपकी पूरी होनी है मतलब, ठीक है। एंजल्स की खास तौर पे यहाँ पे ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही हैं, आपके पार्टनर या फिर आप थोड़े से ज़्यादा पॉजिटिव या फिर स्पिरिचुअल हो सकते हैं। स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरीके से ही इन सब चीज़ों में भक्ति में लीन हो गए, नहीं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है कि आप जीवन को, आपकी जो लाइफ है उसको आप समझ गए हैं कि किस तरीके से, क्योंकि हमें अपनी लाइफ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर आपके पार्टनर आपको लेके पॉजिटिव भी बहुत ज़्यादा हैं, उनके ओरा में सिर्फ आपकी ही एनर्जीज़ है, मतलब वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। सेम एनर्जीज़ आपकी हैं कि आप अपने पार्टनर पे ध्यान लगा के बैठे हो और आपको भी ऐसा लगता है बस अब कॉल मैसेज आ जाए, रीयूनियन होगा, कॉल मैसेज नहीं आएगा। यहाँ पे डायरेक्ट आप दोनों के बीच में बात होगी, या तो आमने सामने हो जाओगी या फिर कॉल पर इतना ज़्यादा कि आप दोनों इमोशनल हो जाओगे, ठीक है। ये थी पाइल नंबर 1 के रीडिंग, मिलते हैं पाइल नंबर 2 में, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो हम यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 2 की। ओके, आई थिंक आप में से किसी ने शायद पाइल नंबर 1 भी देखा है, ठीक है। देखते हैं यहाँ की एनर्जीज क्या आती हैं, ठीक है। ओके, फर्स्ट का पाइल नंबर 1 में भी ये सेम एनर्जीज आई थी कि आप में से कोई या फिर आपके पार्टनर हीलर हो सकते हैं, या फिर आप हील करना चाहते हैं रिश्ते को, या फिर आपने हीलिंग ली है अपने रिलेशनशिप के लिए। ओके, ओ वाओ, आपके पार्टनर की, ओके, सेम एनर्जीज, द गार्डन एंड द गेट फर्स्ट पाइल में भी आया था। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, ओके, मुझे लग रहा है मुझे बहुत सारी एनर्जीज यहाँ पर आपकी पाइल नंबर 1 से जुड़ी हुई आई हैं, बहुत सारी एनर्जीज। तो हो, आप चाहें तो जिन्होंने नहीं देखा है पाइल नंबर 1 भी देख सकते हैं। ओके, ऑलमोस्ट सेम एनर्जीज है। ओके, आप में से अगर कोई कुंडलिनी के बारे में जानना चाहता है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, लेकिन कोई वीडियो देख के अपनी कुंडलिनी अवेकन करने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों इस टाइम पर एक दूसरे को लेके काफ़ी ज़्यादा ही कहते हैं ना इमोशनल हो, तो दोनों डिवाइन फैमिनिन की एनर्जी में हो, या फिर आप दोनों एक दूसरे को सेम जेंडर रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं मेरे कुछ व्यूवर्स, ठीक है। चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप या आपके पार्टनर में से कोई तो हीलर हो सकता है, या फिर आप दोनों ने हील किया है रिश्ता, या आप हील कर रहे हैं अपना रिश्ता, ठीक है। यहाँ पर सेल्फ लव करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर भी, और आपको भी पॉजिटिव और सेल्फ लव वाली एनर्जी में ही आपके पार्टनर देखना चाहते हैं। और सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब आपके पार्टनर आपको आकर ना डेट पर लेकर जाना चाहते हैं, डेट पर लेकर जाएंगे आपके पार्टनर आपको, बहुत ही प्यारा सा आप दोनों टाइम स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ। द गार्डन एंड द गेट, यहाँ पर गार्डनर आए हैं, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को वापस अबंडेंस की तरफ लेकर जाएंगे, बहुत सारी खुशियां लेकर आना चाहते हैं। इस बार आपके पार्टनर कोशिश और मेहनत करेंगे इस रिलेशनशिप को पॉजिटिव करने की, ठीक है। यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी को मत लेकर आइएगा, क्योंकि सारा ध्यान अभी आप अपने रिलेशनशिप पे लेकर लगाइए, जब रिलेशनशिप ठीक हो जाए फिर आप थर्ड पार्टी के बारे में, नहीं तो इस वक्त आप थर्ड पार्टी को मैनिफेस्ट कर लेंगे धीरे धीरे। आप, मुझे लग रहा है सोशल मीडिया के ऊपर हो सकता है आप या आपका पार्टनर, या आपको ऐसा फील होता है कि वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा खुश है, तो ऐसा नहीं है, लाइफ की सच्चाई कुछ और होती है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, आप दोनों जर्नी पर है ना, पाइल नंबर 1 में भी आया था, तो अब आप दोनों की लाइफ की जर्नी शुरू हो गई है, आप दोनों एक साथ आगे जाओगे। यहाँ पर एक दूसरे को फिजिकली आप दोनों अट्रैक्ट कर रहे हो, और बहुत अच्छा टाइम आप दोनों स्पेंड कर सकते हो साथ में। यहाँ पर कुंडलिनी के लिए मैंने आपको मना किया है कि आप लोग इस तरीके से कोई वीडियो देख के कुंडलिनी अवेकन मत करना, ठीक है। ओके, यहाँ पर आपके पार्टनर को आपसे हीलिंग की ज़रूरत है।
यहाँ पर आप में से किसी ने आपको कुछ कैंडल मैजिक आता है आपको, या आपको कैंडल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, आपके पार्टनर कैंडल्स बनाते होंगे, आर्ट एंड क्राफ्ट में होंगे, कुछ तो ऐसा है। लेकिन इस वक्त आपको और आपके पार्टनर को दोनों को हीलिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, और आप हीलर हैं तो आप हील कर ही लेंगे अपना रिलेशनशिप को। तो यहाँ पर आपके जो एनर्जीज़ है ना, मुझे आपके पार्टनर की ऐसी दिखाई दे रही हैं कि वो अंदर ही अंदर घुटन में हैं, चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं उनकी लाइफ में। हील कीजिए उनको, ख़ास तौर पर उनका हार्ट चक्रा हील कीजिए। जब आप हील करेंगे या आप हील करवाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा उदास वाली एनर्जी में है। मुझे ऐसा लगता है आप में से किसी के पास बहुत सारे स्टोन्स भी हैं। इसमें ग्रीन एवेंचुरियन है और रोज क्वार्ट्ज हो सकते हैं और एमेथिस्ट हो सकता है। आप में से किसी ने येलो, रेड, पिंक, ग्रीन या पर्पल कलर का कुछ पहना हो सकता है। ओके, यहाँ पर आप जानते हैं कि आपको अपनी एक जर्नी पूरी करनी है। रीप्रिंटिंग योर सेल्फ, सेल्फ लव कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई है तो आपके पार्टनर ज़रूर आकर बाउंड्रीज क्रॉस करेंगे और आपसे आकर सॉरी कहते हुए यहाँ पे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, लेकिन उनकी लाइफ में अप एंड डाउन चल रहे हैं, आपको डेट पर लेकर जाना चाहते हैं, उन्हें हील कीजिए। पाइल नंबर टू के जो भी व्यूवर्स हैं उनके रिलेशनशिप को हीलिंग की ज़रूरत है। या तो आप किसी हीलर से हीलिंग लीजिए या अपने रिलेशनशिप को हील कीजिए, या ये रीडिंग देखकर आपके दिमाग में कोई पर्सन आ रहा है तो आप उसको और उसके रिलेशन को हील कीजिए अगर आप हीलर हैं तो। ओके, तो ये थी हमारी पाइल नंबर टू की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई तो खुश रहो, पॉजिटिव रहो, अपना ध्यान रखो और हील करो अपने रिलेशनशिप को। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय।